रथयात्रा पाई चलचंचल बरगड़ सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी बार मासे तेर पर्व बरगड़ जिला भटलीर प्रभु श्री श्री दधिबावन पश्चिम ओडिशार अन्यतम तीर्थक्षेत्र भाव विख्यात आसंता जुलाई एक रे महाप्रभु श्री श्री दधिबावन प्रसिद्ध नंदीघोष रथयात्रा महोत्सव अनुष्ठित होती चलचंचल है पश्चिम ओडिशार जगन्नाथ धाम भटली श्रीक्षेत्र परंपरा और विधि अनुसार अक्षय तृतीया तिथि दिन आरंभ हो रथ निर्माण कम एवं शेष पर्यायर पहुंची 472 खंड काठगंडी में 25 फुट दैर्घ्य और 20 फुट प्रस्थ सहित 41 फुट रथ निर्माण होता है। महाप्रभु नंदीघोष में लगी 8 चक 18 वर्ष धरी बिना पारितोषिक काठ कारीगर माने सेवा मनोवृत्ति नहीं रथ निर्माण कम कर पूरी जेन्दा कि श्रीक्षेत्र अच्छे हेन्दा से भटली भी गोटे श्रीक्षेत्र अच्छे दुई बरस है रथयात्रा नाते यही जेन रथयात्रा है से लगी समस्ते बहुत आनंद उत्साहित हो जाऊन बहुत दिन दुई बरस है कहीं ना देखते तो यथर बहुत दूर दूर से देखी आसुचन आउ दुई तीन दिन रही जाइए आम रथयात्रा हबार कि बहुत खुशी लगुचे क्या कि दुई बरस है कैंसी जात्रा भी नाते मुख्य पूजक आमर ये पश्चिम ओडिशा श्रीक्षेत्र दधिबावन रथयात्रा हूँ सर्वजन विदित आमर ये रथयात्रा दुई वर्ष बंद हो जाता कोरोना महामारी लगे जेनतिर लगे कि भक्त मान मध्य बहुत दुख प्रकाश पाइजे आक आग्रह अनुसार यर्ष जेन रथ हेबार संभावना दिशुची आ रथ हेबाक जाऊँगी भक्त मान आनंद उल्लास खेली उठुचे आर लगे आमर भटलीपीठ आ उत्सव मुखर हो आमर य रथयात्रा प्रस्तुति चलीचे आमर मंदिर रंग होचे रथयात्रा निर्माण खूब जोरसोर से चलीचे आउ भगवान आसंता काली 29 तारीख दिन नेत्रोत्सव तांकर पालित हेबा भगवान अणसर घर बाहरी भक्त मानू का नवजौवन दर्शन देवे आउ आमर 30 तारीख दिन भी नवजौवन दर्शन होगा 1 तारीख दिन बाहुड़ा जात्रा ये दुंडीटा रथयात्रा आमर अनुष्ठित होगा भक्त मैंने लगे बहुत खुशी अच्छा आउ भटलीपीठ आज भी आम लोक समागम बढ़ी गलान आ सब घरे घरे आम भक्त मैंने आसी पहुंची सारे सप्तदश शताब्दीर द्वितीय दशकरे संबलपुर राजा बलियार सिंह राजत्व कालरु भटली रे महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दधिबामन नामरे आविर्भूत हो भक्त और भगवान अलौकिक शाश्वत लीला करि चालिछन्ते 1969 मसीहारु देवोत्तर विभाग मंदिर सुरक्षा और रक्षणबेक्षण दायित्व नेछि हेले वर्तमान सुधा भटली श्रीक्षेत्र को राज्य किंबा केन्द्र सरकार पक्षरु सरकारी अनुदान मिलिनाही भगवान नंदीघोष रथ निर्माण सेवा हिसाब से भगवान श्री श्री दधिबावन महाप्रभु आमको सेवक हिसाब से रखिचन फिर आम 18 वर्ष लान भगवान सेवा भगवान आम नियुक्ति कारीगर आम प्राय तो आम अक्षय तृतीया दिन आम अकपूजा करें काम आरंभ करसुँ आम बड़े विश्वकर्मा आम 20 लोक अच्छा आम लगे बनाबार दिन आमको पूरा 2 मास लगे आज आम बनाबार के प्रत्येक वर्ष आमको 50-60 खंड गज आमको नुआ लगुचे आगे से आमको बेस काम लगुचे और गत वर्ष आम 48 वर्ष कोरोना बेमार लगे आम प्रभु दधिबावन महाप्रभु नंदीघोष आम निर्माण कर पूरा शेष कर भगवान कोरोना बेमार लगे बाहर के ना बाहर भक्त मान दर्शन न देवार लगे आम रथ के फिर आम पुनर्वा उल्लु गत वर्ष पूरा निर्माण कर फिर आम रथ के आम फिर उल्ल के रखल आज्ञा ये वर्ष हाँ तो भगवान भक्त मान दर्शन देवार के बड़दाण्ड के श्री श्री दधिबावन महाप्रभु भक्त मान दर्शन देवार बड़दाण्ड के बाहर भी आसू आज्ञा आम नंदीघोष यहाँ निर्माण काम चलीचे और आम 29 तारीख आम पूरा शेष कर नमु आज्ञा मुई रथयात्रा कमिटर सभापति सब प्रस्तुति चलीचे रथ बना चलीचे मंदिर कलर चलीचे जेहेतु कोरोना हटिचे इथर बहुत संख्यार लोक जमा हे बोली आशा रखीचु तेल लगी तमें केन पेन है केन आशु चिकित्सा है
କି ଆମର ଫାୟାର ବାଲ୍ବେ ଏ ସବୁ ତାମାନେ ଆସିବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଦିଆହେଉଛେ ଆଉ ତାମେ ଏକରୁ ନଅ ତାରିଖ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଚାଲବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସହାୟତା ମିଳିଯିବ ସହାୟତା ତ ଆମକୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ନାଇଁ ମିଳିବା ଯେହେତୁ ଆଇ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ତାମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଏ ବର୍ଷ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ରଥଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ସହିତ 2000 କଳାକାର ହେବେ ସମାଗମ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହେବ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଜୁନ୍ 30ରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଉଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଭଟ୍ଲିର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ସହ ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟ୍ଲିରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ପୀଠରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।